तो जी मुर्गियों के लिए आटा जो है दोस्तों वो बना रहे हैं इसकी छोटी छोटी इस तरीके से, इसको तोड़ के और इस तरीके से इसकी गोली बनाएंगे और फिर अपनी मुर्गियों को जाके देंगे। तो ये मैं इनका काम कर रहा हूँ, अपनी मुर्गियों को और चूज़ों को ये डालेंगे और ये मेरे मुर्गियाँ चूज़े बड़े शौक से खाते हैं। तो चलें इसकी गोली बनाते हैं और फिर उन्हें डाल के आते हैं। ये हमारे चूज़ों का दाना खाना जो है वो तैयार हो चुका है और कुछ क्रेडिट जाएगा हमारे चूज़ों को और कुछ क्रेडिट जाएगा हमारी मुर्गियों को। तो चाबी लाने भूल गया यार, चाबी लेता हूँ। तो जी इनका खोल लेते हैं हम केज और इसके अंदर हमारे जो बेचारे नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे से चूज़े हैं उनको इनका डाल देते हैं खाना। देखिएगा कितने शौक से आएंगे यार हमारे जो चूज़े हैं ना। ये देखो दोस्तों इतने इतने से मैंने ये छोटी छोटी सी गोलियाँ बना ली आटे की और ये हम इनको डालने लगे हैं कुछ इस तरीके से। और हमारे चूज़े बत्तख के बच्चे सब कुछ देखिए कितने शौक से खाएंगे। चलो चलो और जी ये लो, ये देखें माशाल्लाह, देख रहे हैं आप दोस्तों कितने शौक से खा रहे हैं ये और बड़े मज़े से यहाँ पे ये लग गए हैं। तो इनको चलें और डाल देते। और ये जो बाकी है ये हम डाल देते हैं अपनी मुर्गियों को, ठीक है। उनका पानी वगैरह भी चेक कर लेते हैं है या नहीं। आजो 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 जल्दी से सारे आजो, खाना बंडी था आजो, इसमें डाल देते हैं। आजो खाओ। बल्कि यार ये वाली मुर्गियाँ तो हमारी खा ही नहीं पाएंगी। एक काम करते हैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। आजो ये अब खा लेंगे। और जी ये देखें माशाल्लाह, तो ये खा रहे हैं बड़े शौक से। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार आपको पता ही दोस्तों, आपने देख लिया कि यार आज मैं छत की सफाई करने लगा हूँ। कबूतर बैठा है अभी, पता नहीं किसका है। ये देखें, ये देख रहे हैं अभी अभी नज़र पड़ी है, अलग ही तरीके का नज़र आ रहा है। एक काम करते हैं यार, भला क्या करते हैं, अपने पिजन्स को, दो पिजन्स को मैं बाहर निकालता हूँ, हो सकता है। अगर तो ये किसी का नहीं है ना फिर तो दोस्तों ये आ जाएगा इंशाल्लाह। और कोई करता हूँ यार मैं, चाबी किधर गई, चाबी मेरे पास ही है पॉकेट में। और सिर्फ उनको निकालूंगा यार जो खपाए ना मुझे, मतलब के बार बार अपने आप ही अंदर चल रही हैं केजेस में। वो कौन कौन से, एक ब्लैक शराजी हमारा और एक हमारा जंगली, बाकी जो है फिर उतरते नहीं, उतरने में टाइम लगा देते हैं, ऊपर ही बैठे रहते हैं। तो ये एक काम करते हैं, चलो यार आगे, अगर तो आ गया तो बल्ले बल्ले। तो जी इसको पकड़ता हूँ मैं पहले, और ये हमारा जंगली आ गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ जी बाहर। ये देखें, और हमारा ब्लैक शिराजी किधर गया, ये बैठा ऊपर। कोई लड़ो नहीं यार, इधर आओ, ये बहुत शरीफ है दोस्तों। और ये जी हमारा ब्लैक शिराजी और वो ऊपर बैठा हुआ, देखते हैं यार आता है कि नहीं आता। अल्लाह करके आ जाए तो मज़ा आ जाएगा यार। ये देखें यार, ये डव तो नहीं है, नहीं वो डब नहीं है, मुझे डब का जैसा कलर लग रहा था। एक काम करता हूँ इधर को बैठ जाता हूँ कुछ इस तरीके से और इनको दाना डालता हूँ। आओ 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 आओ। दोस्तों मैं यहाँ पे बैठा हूँ और वो पिजन जो है वहाँ पे बैठ, तो इनको मैं नीचे बुलाता हूँ। यार ऊपर नहीं जाओ, इधर आओ। आओ 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 आओ। तो यार वो तो वहाँ भी बैठा है और हमारा एक जंगली ईयर और एक ब्लैक शराजी पीछे कुछ चला गया। मैंने इनको यहाँ फिरने के लिए बुलाया था, ये जी चलेंगे जनाब ऊपर। और वैसे ये है कि मैं बुलाऊंगा ना तो ये आ जाए, वो बैठा हुआ किधर गया, वो ये रहा। या गर्द नज़र आई होगी, देखिएगा मैं बुलाऊंगा नहीं आ जाएंगे। आओ 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 आओ।
इसने दोस्तों देख लिया इन पिजन्स को। ओ किधर चला गया? ये बैठा हुआ यहीं पे। इन्होंने इसने दोस्तों देख लिया, ये रहा। आए बड़ी मस्ती चढ़ रही यार इसको तो आज। आ देख रहा है दोस्तों, देख रहा है, इधर ही देख रहा है। आओ। और यार अल्लाह करके दोस्तों आ जाए यार ये। आओ। नहीं यार दोस्तों आगे को निकल रहा है वो, ये देखें। पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा, अब कंफर्म भी नहीं है। और इसकी मस्ती चल रही है। वैसे दोस्तों मुंह उसका इधर को ही है, ये देखें। देखते हैं किस्मत में होगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर उधर ही बैठा रहेगा। तो ये जी उड़ गया है, और ये देखें ये उड़ रहा है। तो यार ये इनका नहीं है, किसी का भी नहीं है, ये कहीं से उड़ के आया है। और ये देखें ये बैठ गया आगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे होता तो हो सकता आ जाता, लेकिन अभी काफ़ी दूर चला गया तो अब इसका आना मुश्किल है। खैर इनको करते हैं अंदर अपने केजेस में। चलें यार आ जाओ जल्दी, इधर आओ, मैंने सफाई भी करनी, फिर धूप आने वाली। ओए तुमने बाहर नहीं आना यार, वो दोस्तों उधर ही बैठा, वो आने ही आने वाला। तो दोस्तों छत की तो सफाई कर ली है यार, और मैं अकेला था छत पे तो मैंने छत की सफाई कर ली है। देखें सारी छत साफ होगी है, आज मैं सारे काम निपटा दूंगा। नीचे एवरी की भी सफाई कर देंगे फिर जाकर। आज मतलब कि आज का दिन हम सफाई पे रखते हैं, आज चांद रहता है दोस्तों, कल को आज ईद। तो मैं चाहता हूँ कि यार ईद वाले दिन भी हमारा सेटअप बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, कोई गंद वाली चीज़ ना हो उसमें। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कितना गंदा हुआ हुआ है इनका केज ये। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसमें से अगर मुर्गी निकल जाएगी तो हम सारी जगह साफ़ कर देंगे। तो चलें अपने इस वाले केज की भी सफाई कर देते हैं। आज काफ़ी दिन हो गए यार सफाई नहीं की दोस्तों इनकी, तो आज मैं सारी ईंटें पहले बाहर निकालता हूँ, उसके बाद फिर सारों की हम जो है ना सफाई कर देंगे, एक भी गंदी रहने देंगे अंदर। तो चलें मैं उसकी सफाई करके फिर दोस्तों आपसे मिलता हूँ। और बाकी यार वो पिजर पता नहीं किसका था, और मुझे मिला भी नहीं, उधर जाके बैठा था उनके जाल पे, ये यहाँ भी बैठा था जाके दोस्तों। अब मैंने सफाई करके देखा तो उस टाइम नहीं है, इधर उधर भी देखा कहीं पर भी नहीं है। बाकी कबूतर कबूतर देखे लोगों के उड़ रहे हैं, और मैंने तो उड़ा के भी बंद कर दिए अपने। सबसे पहले दोस्तों मैं आता हूँ छत पे, कोई भी नहीं होता कबूतर बाज, और किसी का कबूतर नहीं उड़ रहा होता, सिर्फ मेरे उड़ रहे होते हैं। और अभी अभी मैंने उड़ाया था तो ब्लैक शराजी और हमारे बेबी पिजन भी इन्हीं के तरीके से आसमान में उड़ रहे थे बड़े मज़े से, फिर वापस आ गए वो बैठे हुए अंदर सारे के सारे। तो बाकी यार हमारे डायमंड डव्स देखे दोस्तों, मैंने नेस्ट लगाया था और इसके अंदर बैठी हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें शायद आपको नज़र आ रहा हो, वो देखें। तो ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह अंडे देंगी, और हमारे रैबिट्स भी आज बाहर घूम रहे हैं, मैंने बाहर निकाल दिया था कबूतर, इसके नीचे गए हैं दोस्तों, ये देखें ये बैठे थे। तो अभी बाहर घूम रहे थे, चील वगैरह से देख के डर के अंदर चले जाते हैं। तो खैर यार चलें मैं इसकी सफाई कर लूँ दोस्तों, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलता हूँ, बाय। तो दोस्तों फाइनली यार सारा का सारा काम कर लिया है, और तकरीबन मुझे सुबह सुबह दोस्तों तकरीबन मैं आया था 6:30 बजे छत पर आ गया था, और अब मैं टाइम देखता हूँ तो टाइम हो रहा है जी 9:07 हो रहे हैं। तो जिस टाइम मैंने सारी सफाई कर ली है तो अब मैं आपको ओवर भी दिखाता हूँ। तो ये जी हमारा पिजन्स का केज, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साफ़ कर दिया सारा का सारा। और ये देखें माशाल्लाह, ये अपने अपने बच्चों को देखें जाके फीडिंग करवा रहे हैं दोस्तों, ये देखें ये भी करवा रहा है, और इनका जो बाप है यहाँ पर ये अपने बच्चों को फीड करवा रहा है माशाल्लाह, ये देखें। तो ये केज इनका ठीक हो गया, ठीक है साफ़ होगा सारा का सारा। और इसके साथ जो हमारे रैबिट्स हैं यहाँ पे, इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा केज जो है वो मैंने कर दिया है जी साफ़, ये देखें बड़े मज़े से अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, खाएं पिएं जो मर्ज़ी करें। तो ये भी हो गया, और तीसरी चीज़ हमारी छत है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से सारी यहाँ पे से साफ़ हो चुकी है। ये मेरा मास्क गिर गया, ये देखें माशाल्लाह पानी पूनी सबका रख दिया है यहाँ पे, इनका ये रख दिया पानी दाना, इनका भी पानी वो रखा हुआ है, एक टैंकी के नीचे भी रखा हुआ है पानी, इनका भी पानी डाल दिया। तो ये काम हुआ है जी, पता नहीं कितने घंटे बने मुझे नहीं पता। और अभी तो हमने सिर्फ एक काम रह गया जो कि वो है जी एवरी की सफाई रहेगी यार, जो वो भी करते हैं यार, अब डिले नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कल ईद है और आज चांद रात है। मैं सोच रहा हूँ कि यार सारा अब यही कर लिया तो क्यों ना एवरी की भी सफाई कर ली जाए, एक ही दिन में सारा काम हम मुकम्मल कर लेंगे। तो चलें यार मैं आज दोस्तों अकेला ही हूँ छत पे,
तो मुझे अकेला करना पड़ा है सारा काम। तो चलें यार छत नीचे चलते हैं और अवे की भी जाकर सफाई करते हैं और देखते हैं किसी ने अंडे उंडे दिए हैं बजीज वगैरह ने, तो चलते हैं नीचे। दोस्तों एवरी में आ चुका यार, इधर इधर भी गंद मचा हुआ थोड़ा सा, तो इसको भी चलें साफ करते हैं और इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देख लेते हैं क्या चल रही है हमारे बजीज की। सबसे पहली मटकी देखते हैं तो अरे माँ यार माशाल्लाह से यार इसने दोबारा अंडा दे दिया। कौन सी फीमेल? वो फीमेल है दोस्तों जिसने लास्ट टाइम 6 अंडे दिए थे, और ये वाली जिसके 6 अंडे थे, इसका एक बच्चा निकला था वो भी इसी ने खुद ही मार दिया था। तो आगे चलते हैं तो इनका दाना रखा हुआ यहाँ पे, और इस मटकी में ये क्या यार, इसमें तो यार 4 अंडे थे और ये 2 अंडे पड़े हैं। ये भी मुझे अनफर्टाइल लग रहे हैं, ख़राब लग रहे हैं, पता नहीं क्यों फेंके इसने। 4 अंडे थे यार मुझे याद है अच्छे तरीके से। खैर मैं इनकी कैंडलिंग कर लूँ, अगर ख़राब होंगे तो फेंक देंगे। और ऊपर वाली में देख लेते हैं तो अरे माशाल्लाह यार इसमें भी अंडे आ चुके हैं माशाल्लाह दोस्तों। ये देखें 2 अंडे इसमें आ चुके हैं और इसमें तो फीमेल अभी फ़िलहाल बैठी हुई है। ये मुझे लगता है कि अंडे देने वाली है। हाँ जी ये देखें दोस्तों फीमेल तो इसमें है माशाल्लाह से, हमारी सारी मटकियों में अंडे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माँ वाह यार माशाल्लाह इसमें भी अंडा है दोस्तों। ये तो यार मज़ा आ गया, ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो अच्छी चल रही है। इसमें भी अंडा आ चुका है, इसमें भी अंडे हैं, उसमें भी अंडे हैं। ये फीमेल आज कल में देने वाली है अंडा, और उसमें भी अंडा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें यार मैं फिर दोस्तों सफाई करता हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो यार फाइनली दोस्तों अब टाइम हो रहा है जी 9:30 हो रहे हैं और मैंने सारी सफाई कर ली है, और बस यार बस होगी मेरी तो मैं आपसे फिर कुछ देर बाद मिलूँगा फ्रेश होके। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। तो सफाई सफुई करके अच्छी तरीके से साफ करके छत को मैं फ्रेश हो गया था तकरीबन। इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो रहा जी 2:07। तो यार अभी अभी मुझे दोस्तों कॉल भी आई थी जो हमने ऑर्डर किया था ना वो ट्राईपोड उसकी, कि भाई किधर लेके आना है। तो हमने उन्हें एड्रेस बता दिया, तकरीबन 3 घंटे हो गए अभी तक वो आए नहीं। अब वो कह रहे थे मैं वहाँ से निकल पड़ा हूँ, अब पता नहीं कब तक आएंगे। खैर वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो यार ये था आज के ब्लॉग, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।